जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने कितने रन से जीत दर्ज की है? ए 11 रन, बी 13 रन, सी 15 रन या डी 16 रन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। भागलपुर सुल्तानगंज में डीएम प्रणव कुमार ने किया निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज में डीएम प्रणव कुमार पहुंचे। इस दौरान नमामि गंगे के तहत बन रहे सीवरेज प्लांट एवं मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं का जांच पड़ताल किया। साथ ही मसदी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं के तहत जल नल योजनाओं की जाँच करते हुए मुखिया कृति रश्मि से पूछताछ करते हुए योजनाओं की जानकारी ली है। वही वार्ड के लोगों से पूछताछ करने के क्रम में सरकार के द्वारा दिए गए लाभ के बारे में जानकारी लिए। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें नल जल योजनाओं में लोगों को पीने के लिए पानी निर्धारित समय सीमा तय कर लोगों को पानी दिया जाए, इसको लेकर विभाग के पदाधिकारी सहित मुखिया कृति रश्मि को निर्देश दिया गया है। वही मौके पर एनडीए के नेता जदयू नगर अध्यक्ष संजय मंडल, भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी संजय चौधरी सहित कई लोगों ने संयुक्त रूप से 9 सूत्री मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया है। माननीय भागलपुर जिलाधिकारी आज हमारे बीच सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में उपस्थित थे और हम लोगों ने एनडीए के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से उनसे मुलाकात की और शहर के 9 सूत्री मांग के अलावा एक विद्युत सवदा गृह के लिए भी मांग किया है, क्योंकि गंगा में जो यत्र तत्र जो शवों का दहन किया जाता है उससे काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है, इसके ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उनसे आग्रह किया गया। और बिंदुवार जिन वार्डों में नल जल योजना के तहत जल का समुचित रूप से व्यवस्था नहीं हो पाया है, वहां पर जल की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया। 15, 16, 17 वार्ड में जो जल निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है उसको दूर करने का भी आग्रह माननीय जिलाधिकारी महोदय से किया और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि यह कार्य जो है बहुत तेज़ी से। मैं भाजी उमा नगर अध्यक्ष सुल्तानगंज से हूँ। अभी अभी मैंने डीएम साहब से मुलाकात किया और उनसे एक आग्रह किया। मैंने 2018 में एक RTI किया था सुल्तानगंज थाना रोड में स्थित जो हटिया है उसके लिए। मैंने ये पूछा था कि हटिया में सब्जी दुकान के लिए कौन सी जगह आवंटित है और आपने जिसको दुकान दिया है वो कितने साल के लिए दिया है। तो RTI में जवाब तो मिल गया, 7 साल के दिया है, लेकिन सब्जी वाले के लिए कोई जगह आवंटित नहीं है। तो हमने DM साहब से ये पूछा, सर मैंने बचपन से देखा है कि वहाँ सब्जी वाले ही सब्जी बेचते थे, मनिहारी की दुकान बहुत कम थी, लेकिन आज के डेट में मैंने ये देखा है कि वहाँ मनिहारी की दुकान ही है और सब दुकान में शटर लगा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा जगह है जो हटिया में शटर लगता है और परमानेंट दुकान हो जाती है, वो क्या परमानेंट आवंटित होता है वो? इस पे क्या मुझे लगता है कि वो टेम्पोररी आवंटित होता है, 7 साल के लिए अगर होता है तो 7 साल के बाद हर 7 साल पे नए दुकानदारों को मिलना चाहिए दुकान, अगर डाक होता है तो, अदरवाइज शटर लगने का तो कोई दूसरा है। इसी तरह खाद्यान्न वितरण के बारे में पूछताछ की तो लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की, निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। पेयजल योजना की जांच की गई, पेयजल योजना में भी योजना संतोषप्रद है और लोग करीब 1.5 साल से इसका बढ़िया से प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पानी लीकेज की सुविधा दिया जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है और पानी चलाने का निर्धारित समय कौन केयर टेकर रहेगा, शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और राशि वसूली का वसूली नहीं है वो, ये तो योगदान राशि धीरे धीरे उसको लागू कराने का निर्देश। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन।
जीरो माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया, संजो और सुनीता देवी हत्याकांड में प्रेमी सिंटू गिरफ्तार। आकाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कर दिया पूरे मामले का उद्भेदन। नवगछिया के विसाई टोला निवासी संजो और सुनीता देवी हत्याकांड में नवगछिया पुलिस ने महिला के प्रेमी विसाई टोला निवासी सिंटू पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। सिंटू के पास से उसका मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है, जिससे उन्होंने आकाश एवं सिंटू से बातचीत कर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया। सिंटू पासवान को पुलिस ने खगड़िया जिले के भरतखंड से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सिंटू ने हत्याकांड की बात पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है एवं हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस को बताया है। पुलिस पूछताछ में उसने यह भी स्वीकार किया है कि संजू देवी की हत्या के पूर्व उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि 30 नवंबर को मिले अज्ञात शव की शिनाख्त संजू और सुनीता देवी के रूप में हो जाने के बाद उन लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया तो हत्याकांड का रहस्य परत दर परत खुलता चला गया और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। संजू देवी हत्याकांड में पहले हत्याकांड में शामिल भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के साधु गोपलन निवासी घोटन पासवान के 18 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आकाश के पास से पुलिस ने मृतक का महिला का मोबाइल फोन भी बरामद किया। आकाश की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई। इससे गिरफ्तारी अपराधी का ये 30 तारीख को एक डेड बॉडी मिला था, तो उसमें एक व्यक्ति पकड़े गए थे जिनके पास से मृतक का मोबाइल भी मिला था। केस का उद्भेदन वहीं से शुरू हुआ और उनके द्वारा बताया गया था कि उनके अलावा जो पकड़े गए थे वो आकाश पासवान थे, उनके अलावा सिंटू पासवान भी इसमें शामिल है, जिसके लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। तो आज कल जो है भोर में सूचना मिला कि ये अपने बहन के यहाँ छुपे हुए भरतखंड में, खगड़िया के भरतखंड में छुपे हुए हैं। तो लगातार टीम काम कर ही रही थी, टीम वहाँ रेड की तो वहाँ से ये पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में इनके पास से वो भी मोबाइल मिल गया जिससे ये मृतका से बात किए थे और अपने को एक्यूज से भी बात किए थे। तो वो फिर पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इन्होंने दोनों ने मिलकर, आकाश और सेंटू ने मिलकर उस महिला का हत्या किया है और महिला के साथ इनका अवैध संबंध पहले से था और इनकी शादी कुछ दिन पहले हुई जिसका महिला विरोध कर रही थी और साथ में जो दूसरा अभियुक्त है उसका भी उनके संबंध नहीं अच्छे थे, अवैध संबंध ही कहा जाएगा उसको। तो इन्हीं सब कारणों से लेकर के इन्होंने प्लान किया शनिवार को और 19 तारीख को इसकी हत्या कर देते हैं, 30 तारीख को हम लोग को डेड बॉडी मिलता है। किस तरह से कहानी ये लड़का बताया अपराधी ये और ये आकाश पासवान, तो आकाश का भी चूँकि मृतका के घर में आना जाना था तो ये दोनों प्लान किए कि ये महिला हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हम लोग को परेशान कर रही है और पुलिस से पकड़वाने की धमकी दे रही है, तो इसको रास्ते से हटाना हो और ये प्लान के तहत उसको फ़ोन करके बुलवाते हैं और इनके कन्फेशन के आधार पर ये महिला के साथ पहले अवैध संबंध भी बनाते हैं और उसके बाद में उसकी हत्या कर देते हैं। तो एक जघन्य अपराध है, काफ़ी ही जघन्य अपराध है और इसका उद्भेदन हम लोगों ने 2 से 3 दिन में कर दिया है और इस केस का अनुसंधान लगभग पूर्ण है। तो जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट करके और पुलिस अधीक्षक महोदय का ये है कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और जल्द से जल्द इनको सजा दिलवाया जाए। पुलिसकर्मियों को पुलिस के जो टीम के सदस्य हैं वो काफ़ी लगन मेहनत से काम किए हैं, तो इसमें SP मैम के द्वारा कहा गया है कि जो भी टीम के सदस्य हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। नवगछिया, 2 दिवसीय मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एडवांस फाइटिंग प्रशिक्षण शिविर आरंभ। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एडवांस फाइटिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ नवगछिया हाई स्कूल में हुआ। शिविर ताइक्वांडो कोच सह जिला महासचिव घनश्याम प्रसाद के देखरेख में चल रहा है। वहीं इस अवसर पर ताइक्वांडो कोच मोहम्मद नाजिम, शिवम कुमार, अखिलेश पांडे, पंकज कुमार आदि उपस्थित थे। जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद ने बताया कि शिविर में खिलाड़ियों को ताइक्वांडो प्रतियोगिता में एडवांस तकनीक से खेलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा की कला मार्शल आर्ट ताइक्वांडो खेल के रूप में ओलंपिक एवं राष्ट्रीय खेलों में शामिल हो चुका है। इस कला का अभ्यास करने से आप शारीरिक फिट रह सकते हैं, इसकी जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर ने दी। बोली नौगछिया SP, अपराधी घटनाओं में फरार अपराधी को करे गिरफ्तार। नौगछिया SP स्वप्नाजी मिश्राम ने शनिवार को नौगछिया टाउन थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में हुए अपराधी घटनाओं की समीक्षा की। SP ने हाल के दिनों में हुए हत्या, लूट, छिनतई, चोरी सहित
कई आपराधिक घटनाओं की कांडवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने थाना के अनुसंधान इकाई के पदाधिकारी को कांड के अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी मामले लंबित हैं उसे अविलंब अनुसंधान पूर्ण कर अपराधियों की गिरफ्तारी करें। वहीं उन्होंने थाना क्षेत्र में सघन गश्ती करने का निर्देश दिया। मौके पर SDPO दिलीप कुमार, टाउन थाना अध्यक्ष अमर विश्वास, सर्किल इंस्पेक्टर भरत भूषण सहित थाने के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस्माइलपुर वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार ने इस्माइलपुर प्रखंड व अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। इस्माइलपुर के प्रभारी पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार ने शनिवार को इस्माइलपुर प्रखंड व अंचल कार्यालय तथा RTPS कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने वीडियो को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लाभुकों को जिनको आवास बनाने हेतु अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे लाभुकों को वास हेतु जमीन खरीदने संबंधी योजना के तहत लाभ देने, तत्काल PM आवास योजना के प्रथम किस्त की राशि के भुगतान का निर्देश वीडियो को दिया है। ढोलबज्जा, दहेज में मिली मोटरसाइकिल ठीक कराने पति पत्नी से मांग रहा था पैसा, पैसा नहीं देने पर बेरहमी से पिटाई कर फोड़ा सर। ढोलबज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ा टोला कदवा में शुक्रवार की देर रात पति अपने ही गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पिटाई कर सर फोड़ दिया। मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में छोड़ दिए जाने के बाद जख्मी महिला किसी तरह जान बचाकर शनिवार की अगले सुबह कदवा थाने पहुंचकर लिखित आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि घायल महिला ने अपने पति रवीन कुमार, ससुर गाजो सिंह, सास हेमंती देवी, देवर कृष्ण कुमार व ननद आसमानी कुमारी के खिलाफ मारपीट कर जख्मी किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। पीड़ित महिला को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। क्या? नीतू कुमारी। पति का? रवीन कुमार। कैसे कैसे हुआ है मारपीट? मारपीट हमसे पैसा मांग रहा था, पापा के पैसा ला। कौन चीज का पैसा मांग रहा था? गाड़ी खराब हुआ था और बोल रहा था पैसा ला, नए पैसा लगे तो रोजे मारेंगे, रोजे गंजन करेंगे। तो गाड़ी के बाद और कौन चीज का पैसा मांग रहा था? रोजे मारता है, बोलता अच्छा नया तुमको नहीं रखेंगे। क्या सब मिल के मारपीट किया? सास ससुर नना देवर बुला सब मिल के मारता हमको, घर का पूरा फैमिली। क्या कह रहा था? घर का पूरा फैमिली मिल के मारता हमको। घर से भगाता है? खाने पीने के लिए नहीं देता है। क्या कह के घर से भगाता है? अच्छा नया नहीं रखेंगे। कितना दिन पहले शादी हुई थी? शादी 16 दिसंबर को हुआ। 16 दिसंबर 2020 गोपालपुर BRC में गुरु गोष्ठी आयोजित, प्रधानाध्यापक को BO ने दिए आवश्यक निर्देश। BRC गोपालपुर में शनिवार की दोपहर को प्राथमिक व मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की गुरु गोष्ठी आयोजित की गई। BO विजय कुमार झा ने गुरु गोष्ठी के बाद बताया कि गोष्ठी में पोशाक मद, छात्रवृत्ति मद, पाठ्य पुस्तक मद व विद्यालय विकास अनुदान मद का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापकों को एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। विक्रमशिला पुल पर ट्रक ने कार में मारा धक्का, बाल बाल बचे चालक, 2 घंटे तक पुल रहा जाम। परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पर शनिवार के सुबह अनियंत्रित ट्रक ने कार में जोरदार धक्का दे मारा। ट्रक के धक्के से कार पुल पर ही पलट गई। दुर्घटना में किसी प्रकार का हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना में कार चालक बाल बाल बच गए, किसी तरह अपनी जान बचाकर कार चालक गाड़ी से निकला। पुल पर दुर्घटना की सूचना वाहन चालकों के द्वारा जाह्नवी चौक TOP को दी गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर जाह्नवी चौक TOP पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कार को किरान के माध्यम से हटाया गया। पुल पर दुर्घटना होने के बाद शनिवार की सुबह जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। दुर्घटना के बाद पुल पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने में करीब 2 घंटे का समय लग गया। तब तक 2 घंटे तक आवागमन बाधित हो गया था। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाए जाने के बाद आवागमन प्रारंभ हुआ। ढोलबज्जा व कदवा में 10,488 बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। नौगछिया प्रखंड के कोसी पार तीनों पंचायत ढोलबज्जा, खैरपुर कदवा व कदवा दियारा में पिलाए जा रहे पोलियो ड्रॉप अभियान शनिवार को सम्पन्न हो गया, जहाँ 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक ए टीम द्वारा 200 नवजात समेत 10,014 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। वहीं शुक्रवार से शनिवार तक बी टीम द्वारा बचे गए 274 बच्चों को भी पोलियो ड्रॉप पिलाई गई।
जिसका सफल संचालन APSC ढोलबज्जा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सेवानिवृत्त लिपिक उमा शंकर जायसवाल व WHO मॉनिटर मिथिलेश कुमार ने किया। ढोलबज्जा जिला परिषद ने किया सड़क का उद्घाटन। नवगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार ने शनिवार को पंचम राज्य वित्त आयोग योजना अंतर्गत अपने मत से निर्मित 4 लेन सड़क से परसपुर कदवा जाने वाली मुख्य सड़क का उद्घाटन किया। मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि दिलीप जायसवाल, आदित्य राज उर्फ सुभाषीष, प्रिंस राज, नकुल कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नारायणपुर, ऑटो बाइक में टक्कर, 2 जख्मी। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 नारायणपुर बस स्टैंड के समीप ऑटो व बाइक की टक्कर में 2 महिला जख्मी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार से अनियंत्रित ऑटो खगड़िया की ओर से नौगछिया की ओर जा रही थी। चौक पर बिना देखे पल्सर बाइक सवार भोजू टोल निवासी नीतीश कुमार, 2 महिला अनीता देवी और आभा देवी के साथ मथुरापुर बाजार की ओर जा रहा था। NH 31 पर बीच में बाइक और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गया, जिससे बाइक पर सवार अनीता देवी और आभा देवी जख्मी हो गई, बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से भवानीपुर पुलिस ने ऑटो को जब्त किया और दोनों जख्मी महिला का प्राथमिक उपचार निजी क्लिनिक में करवाया। गोपालपुर, CO ने भूमि संबंधित विवाद की सुनवाई थाना परिसर में किया। अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने शनिवार की दोपहर को थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती की मौजूदगी में गोपालपुर थाने में दर्जनों लोगों से संबंधित भूमि विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई कर समस्याओं का समाधान किया। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज,
बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने नवगछिया।